हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर लेजर टाइम विद टॉपिक स्टोरी टेलिंग। कहानी कहना या बताना। लेट्स स्टार्ट। स्टोरी इज कॉल्ड कथा इन संस्कृत एंड कथाई इन तमिलनाडु। एक कहानी को कथा तो संस्कृत में और कथाई तमिलनाडु में कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग इज एन एंशियंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग ए स्टोरी ओरली। कहानी बताना या कहना एक प्राचीन कला है जिसके अंदर एक कहानी को बोलकर सुनाया जाता है। द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर्स टू द रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। कहानियाँ जो होती हैं सुनने वाले को अलग अलग विषयों की समृद्धता संस्कृतियों और भाषाओं के बारे में बताती है। यानी जब हम कहानियाँ सुनेंगे तो हमें अलग अलग विषय की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो हमें अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग संस्कृतियों की और अलग अलग भाषाओं के बारे में पता चलता है। लिसनिंग टू स्टोरीज हैज़ ऑलवेज बीन ए फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप्स। कहानी सुनना हमेशा से ही एक बहुत ही प्रिय क्रियाकलाप रहा है बच्चों का, साथ साथ बड़ों का भी। यानी कहानी सुनना बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को भी। द ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स नैरेट स्टोरीज टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सपेंड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। दादा दादी माता पिता और अध्यापक कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, उनको सूचना देने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए। दे हैव द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन। ये बच्चों की मदद करती है उनकी कल्पनाशीलता को विकसित करने में। यानी जब वो कहानियाँ सुनेंगे तो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसी वैसी वो पिक्चर अपने दिमाग के अंदर बनाते जाएंगे, कल्पना की करते जाएंगे और वैसी तस्वीर बनती जाएगी, तो इससे उनकी इमेजिनेशन विकसित होगी। द स्टोरीज मे बी फ्रॉम अवर ग्रेट एपिक्स रामायणा महाभारता और अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज। कहानियाँ जो हैं वो हमारे महान ग्रंथों से हो सकती है, रामायण महाभारत से, या ऐतिहासिक घटनाएं उनके बारे में या प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में हो सकती है, जैसे जोधा अकबर की कहानियाँ, पानीपत का युद्ध आदि, और फेमस पर्सनैलिटीज़ में जो महान महान हस्तियाँ आ गई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के बारे में। द नरेटर्स यूज ए वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंज इन वॉल्यूम एंड थीम्स टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। कथावाचक जो होता है अपनी कहानी को और अच्छी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए और मनोरंजन से भरपूर बनाने के लिए अलग अलग हाव भाव का प्रयोग करता है, स्वर परिवर्तन का यूज करता है। यानी कहीं आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे, कहीं एकदम तेज, ऐसे, और अलग अलग विषय लेता है ताकि कहानियाँ मज़ेदार हो और मनोरंजन से भरी हो। दे मे यूज पपेट्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक और लाइट्स। अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये जो कथावाचक है वो कठपुतलियों का, पपेट्स का प्रयोग कर लेते हैं, गानों का, संगीत का, या फिर लाइट्स, रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनकी कहानी है वो इंटरेस्टिंग बने। डू यू नो आर के नारायण इज द मोस्ट लव्ड स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया। आर के नारायण भारत का सबसे प्यारा कहानी बताने वाला, कहानी लिखने वाला लेखक है। चिल्ड्रन लव टू रीड इज फेमस स्टोरी। बच्चे उनकी प्रसिद्ध कहानियों को पढ़ना बहुत
पसंद करते हैं, मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स एटसेट्रा। और वो जो फेमस कहानियाँ हैं उनकी वो हैं मालगुडी डेज, स्वामी और उसके दोस्त। दे हैव आल्सो बीन अडेप्टेड एज टीवी सीरियल्स। आर के नारायण की जो ये कहानियाँ हैं मालगुडी डेज और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, वो नाटक के रूप में, सीरियल्स के रूप में टीवी पर भी अपनाए गए हैं, टीवी पर भी उनको दिखाया गया है नाटक में रूपांतरण करके। नेक्स्ट रीडिंग, रीडिंग मीन पढ़ना, किताब पढ़ना, कहानियों किताब पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब रीडिंग में आता है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें जो हैं हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दे एंटरटेन, गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक एंड आर ईजीली अवेलेबल। किताबें जो हैं वो हमारा मनोरंजन भी करते हैं, हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देते हैं किसी भी विषय के बारे में, और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। रीडिंग इज ए लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स। पढ़ना एक फुर्सत के समय में की जाने वाली एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बच्चों के बीच में भी, साथ साथ बड़ों के बीच में भी। इट एनहांसेस नॉलेज एंड अवेयरनेस। पढ़ने से क्या होगा, ये हमारी पढ़ाई जो होती है, पढ़ना जो होता है, हमारा ज्ञान तो बढ़ाता ही है और हमें अवेयर भी करता है, हमारी जागरूकता को भी बढ़ाता है। यानी रीडिंग से बहुत से फायदे होते हैं, लेजर टाइम एक्टिविटी तो है ही, साथ में नॉलेज भी मिलती है, अवेयरनेस भी मिलती है। डू यू नो रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। जैसे हम शरीर के लिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार से दिमाग के लिए पढ़ना जरूरी होता है। तो दिमाग की एक्सरसाइज के लिए रीडिंग बड़ी जरूरी है। या देखो पिक्चर दिखा रखी है ना बच्चे रीडिंग करते हुए,